तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देसी बॉयज पे। आई होप कि आप सब बच्चे होंगे। तो आज ना हमारे पास सॉन्ग है ना कोई ट्रिलर है। आज जो हम बताने वाले आपको, बताओ क्या करने वाले आज? मतलब ऐसे लग रहा है कि आज मुझे अपने पास भाई है, अपने हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारे दिलों में। सलमान भाई के ऐसे कुछ फैक्ट जो शायद ही आपको पता होंगे। एक्चुअली अगर आपको पता भी होंगे तो वो आपको अननोन ही लगेंगे। एक्चुअली कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, मेजर फैक्ट्स जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं। तो गाइस आज तो हम ट्रेलर एंड सॉन्ग्स वगैरह कुछ लेके नहीं है आपके लिए, बट हाँ आपके लिए भाई से ही रिलेटेड कुछ बेहतरीन फैक्ट्स लेके आए जो उन्हीं के लाइफ से रिलेटेबल हैं। तो ये शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहो और इस पे ज़्यादा व्यूज दो, हमें मोटिवेट करो क्योंकि हमारे पास कुछ सॉन्ग। शिवम भाई एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि जैसे कि हम कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, आप उसको रिकरेक्ट करके एंड कुछ अपने जो आपको पता हो फैक्ट सलमान भाई के बारे में वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो शुरुआत करो प्रिय, बताओ फिर स्टार्ट कर। बेसिकली पता है कि अगर मैं बात करूँ तो पहले हम जाएंगे बिल्कुल ही सलमान भाई की टीन लाइफ में। अगर टीन लाइफ की बात करें तो सलमान भाई ने 12th तक ही पढ़ाई करी, उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इट डजंट मीन कि उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करी, बट उनका टोटली फोकस था एक्टिंग में एंड बॉलीवुड में वो आना चाहते थे। यस, अगर वो शायद हो सकता है कि कॉलेज जाते एंड अपना कोर्स कंप्लीट करते तो हमें हमारे मेगा स्टार सुपर पावर नहीं मिल पाते। तो एक्चुअली जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात से ये प्रूव होता है। यस एग्जैक्टली, इस बात से प्रूव होता है। तो सलमान भाई ने 12th तक पढ़ाई करी, उसके बाद कॉलेज ड्रॉप कर दी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्हें पेंटिंग का भी शौक है, अभी भी जिस तरीके से पेंटिंग करते भाई हम दीवाने हैं। सबसे बड़े एग्जांपल है आमिर खान, क्योंकि आमिर खान ने उनके कुछ बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग खरीदी भी है। एंड आपको पता है जय हो का जो पोस्टर था वो भाई ने खुद ही बनाया था। यस, उन्होंने खुद वो करा था, भाई ने खुद ही बनाया था। एंड अगर बात करें तो वो हमेशा सही ना भाई एज एन एक्टर ना हमेशा कभी स्क्रीन पे नहीं आना चाहते थे। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि सलमान भाई कभी भी एज एन एक्टर स्क्रीन पे नहीं आना चाहते थे, वो राइटर और डायरेक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो राइटर ही थे। एक्चुअली एक मूवी आई थी फलक, जो बॉलीवुड में मूवी आई थी, ज़्यादा चली नहीं थी, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे सलमान खान। तो डायरेक्शन में उनका शुरू से जो चॉइस था, फोकस था, वो डायरेक्शन में था। और पहली फिल्म अगर बात करें तो बीवी हो तो वैसी 1988 में, उसके बाद डेब्यू किया 1989 मैंने प्यार किया। अच्छा हुआ भाई की आपने एक्टिंग शुरू की, वरना हमारा क्या होता है, हमारे चैनल का क्या होता है या हमारा क्या होता है, बाकी सारे फैंस का क्या होता है। अगर बीवी हो तो ऐसी मूवी की बात करें शिवम भाई, तो बीवी हो तो ऐसी एक ऐसी मूवी है जिसमें सलमान भाई जो डायरेक्टर था उसका जो डिमांड था वो एक यंग लड़का था जो गुस्सैल होता है थोड़ा। यस, तो वो जब सलमान भाई से मिला, वो डायरेक्टर मिले सलमान भाई से, तो उन्होंने देखा कि सलमान भाई उस रोल के लिए मतलब जो यंग थोड़े वैसे थोड़ा अग्रेशन होना चाहिए, हाँ तो वैसे दिखे, तो उन्होंने सलमान भाई को फोर्स किया कि हाँ तुम ये रोल प्ले करो। एंड उन्होंने वो किरदार निभाया जो कि लोगों को पसंद भी आया। हाँ बहुत क्या मूवी थी वो, वाह, बीवी हो तो ऐसी मूवी, हाँ सॉरी बीवी हो तो ऐसी। तो फिर 1989 में जिस तरीके से प्रेम का किरदार निभाया, मैंने प्यार किया, उस साल की तो सबसे बेहतरीन मूवी में से एक थी। यस, और फिर मैंने प्यार किया की बात करें ना तो सूरज बरजातिया जी जो थे उनके फर्स्ट चॉइस सलमान खान नहीं थे। ये भी शायद आपको नहीं पता होगा, तो फर्स्ट चॉइस में थे दीपक तिजोरी। ओके, यस दीपक तिजोरी थे एंड पीयूष मिश्रा। ओके, पीयूष मिश्रा जो थे और दीपक तिजोरी, बट चार मतलब सलमान भाई को उन्होंने देखा, जब पोर्टफोलियो देखे, सलमान भाई की पिक्स देखी, तो एंड सलमान भाई के लुक्स के बारे में आप क्या ही कहें आपको, तो उन्होंने देखा उनको एंड कहा कि नहीं मुझे यही लड़का चाहिए। बट यहाँ पे बात हुई थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑडिशन लेना। तो सलमान भाई का जब ऑडिशन हुआ तो एक्टिंग की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए इस कैरेक्टर में। okay. तो चार महीने तक वो सर्च ही करते रहे कि मुझे ये रोल किससे करवाऊं, मैं प्रेम का रोल। ओके, एंड बट एक चीज था उनके दिमाग में था कि मैं सलमान भाई को ही लेके मूवी बनाऊंगा। मतलब 4 महीने तक उन्होंने वर्कआउट किया उस कैरेक्टर को निभाने के लिए, ऑडिशन लिए, बट उनके दिमाग में सलमान खान फिट हो चुके थे कि ये रोल यही करेंगे, उन्हीं से कराएंगे। और उसके बाद उन्होंने डिलीवर करा, और ये हम कह सकते हैं कि रातों रात स्टार बनना किसे कहते हैं, वो मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया से
एक और बात करना चाहूंगा तो दोस्तों, सलमान भाई जो थे अपने, उनको टीन एज से ही जिमिंग का बहुत शौक, बहुत शौक था, बहुत ही मतलब उन्हें फिटनेस का बहुत शौक, और एक्चुअली तब से लेके अब तक उस तरीके से मेंटेनेंस करना यार काफी बहुत बड़ी बात है कि सलमान भाई ने जिस तरीके से अपने आप को अभी तक मेंटेन कर रखा है, उनको देख के एक्चुअली बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट कि वो अभी भी बहुत लोगों के क्रश होंगे यार, ऑब्वियस बात है यार। फिर ऋतिक रोशन ले लो या तो अर्जुन कपूर ले लो, बहुत लोग को हेल्प भी किया है बॉलीवुड जब एंट्री कर रहे थे वर्कआउट कराने में। इसके तो हम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री को पता है, हिंदुस्तान को पता है कि किस तरीके से उन्होंने सबकी हेल्प करी थी, पूरे वर्ल्ड को पता है ये बात। और जो मैंने प्यार किया था, जिस तरीके से कैरेक्टर प्रेम चला, तो उसके बाद डायरेक्टर जो सारे थे तो चाहते थे कि इसी कैरेक्टर को भाई करे, क्योंकि जो प्रेम जो नाम है ना, सारी मूवी हिट जाती है उस नाम से, जिस तरीके से कैरेक्टर करते हैं। कुछ स्पेशल हीरोज हैं जिनके स्पेशल नेम वो चल चुके, जैसे कि शाहरुख के राहुल और राज, राहुल राज, राहुल और राज। तो भाई का प्रेम टोटल 15 मूवी में, प्रेम एंड समीर, प्रेम एंड समीर, 15 मूवी अभी तक भाई ने एज अ प्रेम कैरेक्टर किया है। चाहे तो आप मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, पार्टनर, मैरी गोल्ड, एंड अगर हम बाजीगर वाले फैक्ट के बारे में बात करें, तो बाजीगर मूवी के फर्स्ट चॉइस सलमान भाई थे, क्योंकि उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना था, तो इसीलिए, या वो कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि वो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों चल रहा था, तो हो सकता है कि सलमान भाई की कुछ अपनी पर्सनल चीजें हो, तो इस तरीके से, एंड उस कैरेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड का बादशाह दिया, तो मतलब भाई इसको, इस सेट के बात करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो बाजीगर, अभी भी गाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर जो उनके पिताजी सलीम, सलीम जी ने जो क्या बोलते ब्रेसलेट दिया 2002 में, क्योंकि उन जो जैसे ब्रेसलेट पहनते ही, मतलब उनके मूवी सारे मूवी, क्योंकि वो अपना लक मानते उस ब्रेसलेट को, तो उनके जो सारे फैंस है वो भी आजकल वही पहनते हैं। आज तक वो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखो तो वो किसी मेले वेले में या किसी मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड सलमान भाई ने कितने इंटरव्यू में ये जिक्र किया कि वो मेरे लिए बहुत ही लकी ब्रेसलेट है, जब से उनके पापा ने उसे दिया, उन्हें दिया है ये ब्रेसलेट, तो तब से देखा जाए तो उनके लाइफ में काफी इम्पैक्ट पड़ा, काफी इम्पैक्ट पड़ा। आज तक फैंस भी वही ब्रेसलेट पहनते हैं उन्हीं के जैसे, तो एक माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है कि कुछ लक फैक्टर काइंड ऑफ। यस, इकलौते ऐसे बॉलीवुड स्टार है जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 100 करोड़ की मूवी मतलब डिलीवर किया हुआ, अभी तक ऐसा कोई किया भी नहीं अभी तक। यस, और इकलौते वही स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लोगों को लॉन्च किया है, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, चाहे तो आप कैटरीना कैफ ले लो या फिर अगर हम लिस्ट पे नाम बनाए तो अर्जुन कपूर, बहुत सारे, बहुत सारे लोग को, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि जब वो आए थे इंडस्ट्री में तो उनको पता है किस तरीके से प्रॉब्लम फेस होता है, तो इसीलिए मौका देते हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से वो एज ए न्यू कमर आए थे तो उनको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो न्यू कमर आते हैं उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले इंडस्ट्री के फ्यूचर है, फ्यूचर है, और इस बात से हम सब एग्री करते हैं 100%। तो हमें सलमान भाई का स्पेशली थैंक यू कहना चाहिए कि जितने यंगस्टर्स आते हैं वो सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, यस, अपॉर्चुनिटी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे उनके सॉन्ग्स में आके एक स्पेशल अपीयरेंस देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो। और अगर तुम्हें याद होगा कि सलमान भाई ने फर्स्ट जो सॉन्ग गाया था चांदी के डाल पे, सोने का मोर भाई ने तब से मतलब फर्स्ट सॉन्ग गाया था इस गाने पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मटकी तोड़ते वही गाना भी बजता है। तो ये सारे जो फैक्ट था, आई डोंट थिंक सो, मतलब जो ह्यूज फैन एक्चुअली उनको ही पता होगा। यस, एंड ह्यूज फैंस के लिए एक ये चैलेंज है कि शायद उन्होंने नहीं देखा होगा कि 15 साल के सलमान खान कैसे दिखते थे, बट हमें पता है एक्चुअली देखा जाए तो एक कैंपा कोला का ऐड आया था, क्या आपको पता है? नहीं पता तो आप यूट्यूब पर जरूर देखना, क्योंकि कैंपा कोला के ऐड में सलमान भाई ने एक ऐड करा था उसको, बहुत बड़ी ऐड है। और स्पेशल बात उस ऐड का पता है क्या है? सलमान भाई को 750 रुपये मिले थे उस ऐड के लिए, फर्स्ट मतलब सैलरी कह सकते हो, तभी के 750 रुपये मिले थे सलमान भाई को उस एड के लिए, लेकिन उस एज से काम करना, इट्स हैट्स ऑफ। एंड अभी भी उस देखोगे उस एज में भी सलमान भाई ने अपने आप को जिस तरीके से फिट करा है, एंड अभी भी जिस तरीके से चेंज ओवर जो है सलमान भाई में काफी अच्छी तरीके से उसको अपना है, जैसे कह सकते हैं हम कि जैसे जिस तरीके से इंडस्ट्री चेंज होती है सलमान भाई अपने आप को चेंज करते हैं। अच्छा, और कुछ बताओ फैक्ट्स उनके बारे में, कुछ बताओ। अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की, तो एक फैक्ट है जो शायद सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता, कि जो सलमान भाई के साथ मतलब जो रियल लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम है, नोज की प्रॉब्लम है, जिनसे उनकी 80% नोज जो है ब्लॉक रहती है, तो बेसिकली जो रनिंग वाले सीन है वो कोई बॉडी डबल करता है। अच्छा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उनकी नोज ना ब्लॉक रहती है, उनको जो प्रॉब्लम है वो है डेविएटेड नेजल सेप्टम। ओके, उससे मतलब उनकी जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से। एंड होप सो कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में
वो परसेंटेज कम हो जाए एंड हमारे भाई फिट रहे, जैसे हैंडसम दिखते हैं वैसे हैंडसम दिखते रहे। ओके गाइस, तो हमें जितनी बात पता थी हमने आपको बता दी। एक्चुअली मतलब इन दोनों ने, मतलब मेरा कुछ नहीं था इसमें, इन दोनों का। गौरव भाई अगर मैं बात करूँ तो शायद आपको, मुझे, शिवम भाई को, सलमान भाई के बारे में ऐसे इतने फैक्ट्स हैं कि एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। बट अगर हम एक्चुअली हम आप पे छोड़ना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पता है, कमेंट्स करके हमें ज्वाइन करो। यस, हम अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो हम पूरा एवोल्यूशन भी बना सकते सलमान भाई का खुद वर्कआउट करके। यस, अगर आप चाहते तो कमेंट करो, हम लोग उसे वर्कआउट करेंगे। यस, तो आज के एंड मैं फिर से एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जो ऐसे फैक्ट जो मीडिया में कम हो एंड आपको पता हो कि हाँ ये बात मुझे पता है, कम लोगों को पता है, तो फैक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए एंड हम आपका नाम मेंशन करेंगे एंड वो फैक्ट को भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।